सूबे की सरकार चाहे लाख दावे करे कि पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पहाड़ी जनपदों में बागेश्वर की कांडा तहसील के सुदूरवर्ती कमस्यार क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि स्कूल के छात्रों से मिड डे मील का चावल ढोवाया जाता है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि स्कूली छात्र मिड डे मील के चावल ढो रहे हैं और स्कूल का चौकीदार पीछे से उनसे काम करवा रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है और बागेश्वर के स्थानीय लोग स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वही जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आते ही जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। वही समाज सेवी रमेश पांडे का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को उनके द्वारा भी देखा गया। स्कूली बच्चे यूनिफॉर्म में चावल ढो रहे हैं, जो कि एक अपराध है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फेसबुक में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, वायरल है बहुत ज्यादा। मैंने भी पता किया था अपने स्तर से कि क्या है। बच्चे जो दिख रहे हैं उसमें वीडियो में, वो यूनिफॉर्म में है और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों से वो श्रम लिया जा रहा है जो श्रम स्कूल में बच्चों से नहीं लिया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब, वो एक अपराध है और ये अपराध कौन करवा रहा है, इसको मैं तत्काल रूप से संज्ञान में लेती हूँ और अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर रही हूँ कि इसको तत्काल रूप से देखें, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है तो इसमें किसी प्रकार की मुझे विभागीय लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी सीओ से इस मामले को पूरी तरह दिखवाती हूँ और जो भी इसमें लापरवाही जिसकी भी पाई जाएगी उसकी विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई भी मैं सुनिश्चित करूँ। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।